बैग्स में अनवांटेड फंगस आना, जिस बैग्स में भी अनवांटेड फंगस आता है, जहां पर भी अनवांटेड फंगस आता है, जिस शेड में अनवांटेड फंगस आती है, तो वो बैग, वो पर्टिकुलर शेड प्रॉपर टेम्परेचर से मेंटेन नहीं है। समझो आप ऑयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे हो और वहाँ पर जो टेम्परेचर चाहिए वो 22 से 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए, अगर वो सही तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हो तो 100% बैग्स में अनवांटेड फंगस आएगी। आज इस टॉपिक पे बात करने वाले दोस्तों, मैं हूँ प्रफुल्ल शेंडे, जीबीएस मशरूम्स एंड एग्रो बिजनेसेस प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि अनवांटेड फंगस क्यों आती है। अगर अनवांटेड फंगस आ रही है तो उसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन प्रॉब्लम जो है वो है टेम्परेचर, और स्पेशली अनवांटेड फंगस का जो भी प्रॉब्लम है मैं देखता हूँ तो समर सीजन में ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है अनवांटेड फंगस की वो ही समर सीजन में, और एक्चुअल में जो भी टेम्परेचर मैनेज नहीं करता है वहाँ पर 60-70-80% बैग जो है अनवांटेड फंगस से ही ख़राब होती है। और अभी जो है बहुत सारे ग्रोवर्स मुझे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे फोटोज भेज रहे हैं कि सर अनवांटेड फंगस बैग्स में ग्रो हो रही है, हम क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो है अनवांटेड फंगस मतलब वाइट कलर की फंगस जो है ग्रो हो रही है, आप फोटो में देख सकते हो। तो वाइट कलर की अनवांटेड फंगस जब ग्रो हो रही है तो वहाँ पर टेम्परेचर नियर अबाउट 30 के ऊपर जा रहा है, 32-33-35 डिग्री सेल्सियस तक अगर जा रहा है, टेम्परेचर मैनेज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर मेन प्रॉब्लम है कि आपको टेम्परेचर नीचे करना है। तो इस टेम्परेचर को अगर नीचे करना है, ऑयस्टर मशरूम का ग्रो कर रहे हो तो 22-25-26 डिग्री सेल्सियस रखिए, बढ़ेगा तो भी 27-28 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर इतना टेम्परेचर मैनेज नहीं कर रहे हो और इंक्यूबेशन पीरियड में टेम्परेचर मैनेज नहीं हो रहा है तो 100% वहाँ पर अनवांटेड फंगस आएंगी। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो टेम्परेचर मैनेज करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट फैन लगाओ, रिवर्सिबल एग्जॉस्ट फैन लगाओ जो अंदर भी हवा फेंके बाहर भी जा सके, जब भी गर्मी होंगी तो अंदर की गर्मी बाहर फेंकिए, ऑटोमेटिक फॉगर सिस्टम लगाओ, उसके लिए भी अलग से हम आगे जाके वीडियो बनाने वाले हैं कि ऑटोमेटिक फॉगर सिस्टम कैसे किस तरीके से काम करता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कैसे मैनेज करना है। तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के लिए ऑलरेडी हमने वीडियोज़ बनाए हैं, आगे भी बनाएंगे। तो आजू बाजू जो है वाटर स्प्रे करना, हवा में भी वाटर स्प्रे करना, और वहाँ पर अंदर की गर्मी जो है बाहर फेंकना, इससे जो है हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मैनेज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मैनेज करने से इंक्यूबेशन पीरियड में मतलब फर्स्ट दिन से 15 दिन तक जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वहाँ पर आपका टेम्परेचर सही तरीके से मैनेज है तो माइसिलियम 100% रन होगा। आपकी जो बैग्स है माइसिलियम जो है उसमें वाइट होगा, और इंक्यूबेशन पीरियड अच्छी तरीके से रन होने से फ्रूटिंग्स भी आगे जाके अच्छे आएंगे। दूसरी चीज़ है भूसा। समझो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपके भूसे के सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो भूसा सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, उसके साथ में स्पॉन सिलेक्शन भी। भूसा और स्पॉन सही तरीके से हम मिला रहे हैं, सही तरीके से कल्टीवेशन कर रहे हैं तो 100% वहाँ पर आपकी भी बैग्स वाइट होगी ही, माइसिलियम अच्छे तरीके से रन होगा, बैग्स खराब नहीं होंगे। अगर भूसे में गलती कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, स्पॉन में गड़बड़ कर रहे हो, मतलब स्पॉन लाने के बाद में स्टोर करके रखना, फ्रिज में रखना, मिल्की का स्पॉन फ्रिज में नहीं रखना है, ऑयस्टर का स्पॉन रख सकते हो, लेकिन अगर सबसे पहली चीज़ तो फ्रिज में रखना ही नहीं है, कौन सा भी स्पॉन, ऑयस्टर को रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रखना ही क्यों, स्पॉन आपने फ्रिज में रखने के लिए बुलाया है नहीं ना, कल्टीवेशन करने के लिए बुलाया है ना, तो कल्टीवेशन करने के लिए उसका यूज़ करो। जैसे जल्दी आता है उतना उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी पोटेंशियल होता है कि उसको जल्दी से आप लगाएं और उससे कुछ अच्छा माइसिलियम रन होके उससे प्रोटीन्स बाहर निकले, यही तो मेन हमारा काम है। तो भूसे का सिलेक्शन और स्पॉन का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, और सही टाइम पे कल्टीवेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड है स्टरलाइजेशन। अगर आप स्टरलाइजेशन में गड़बड़ कर रहे हो, समझो केमिकल स्टरलाइजेशन रहे या फिर ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन या फिर पॉस्चराइजेशन रहे, जो भी आप स्टरलाइजेशन कर रहे हो, या फिर लाइम वाटर, कोल्ड लाइम वाटर स्टरलाइजेशन रहे, जो भी स्टरलाइजेशन कर रहे हो वो सही तरीके से स्टरलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर सही तरीके से स्टरलाइजेशन नहीं कर रहे हो, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ है, या फिर आप स्वच्छता नहीं रख रहे हो और स्वच्छता ना रख के आप कल्टीवेशन कर रहे हो, कहीं पर भी आप भूसा डाल रहे हो, कहीं से भी लोग आ रहे हैं, या फिर उसको अच्छी तरीके से उसके ऊपर पैर दे रहे हो, वही बैग में भर रहे हो, आपके हाथ स्वच्छ नहीं है, आप ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो 100% प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें ना मेंटेन करनी है सही तरीके से, तभी जाके आपका कल्टीवेशन जो है बहुत ही अच्छा होगा। बाद में जो चीज़ है नेक्स्ट है पिनहेड सूखना। पिनहेड सूखना मतलब जो भी मशरूम के पिनहेड्स नए अंकुर आते हैं वो सूखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहली चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर समझो आपके पिनहेड्स निकल रहे हैं,
और पिनहेड्स निकलने के बाद में यहाँ पर कुछ मशरूम बहुत ही अच्छे हैं, और समझो ये तीन पिनहेड्स बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पर हेल्दी है तीन ही पिनहेड्स, और एक पिनहेड सूख रहा है, समझो ये पिनहेड सूख रहा है, तो क्या आप ये बोलोगे कि आपके पास में जो भी ग्लास है उसमें आधा ग्लास आपके पास में पानी भर के है, तो आप ये करके रोते रहोगे कि मेरे पास में आधा ही ग्लास पानी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पानी नहीं पी सकता, मुझे पूरा ग्लास ही चाहिए, ऐसे रोते रहोगे? नहीं ना, ये तो निगेटिविटी आप छोड़ोगे ना, बी पॉजिटिव कि आपके पास में आधा ग्लास भर के है, बी पॉजिटिव, आपके पास में तीन पिनहेड्स बहुत ही अच्छे हैं, बी पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव नहीं। इसके बारे में आप अच्छे से समझिए कि ये जो मशरूम्स है यहाँ पर जो पिनहेड्स निकल रहा है एक ही तो खराब हुआ है ना, तो एक क्यों खराब हो रहा है उसके ऊपर फोकस करो। ये तो बाकी मशरूम जो निकलते रहेंगे ये तो आपको प्रोडक्शन दे ही रहा है, ऐसे तो पिनहेड्स कितने सूख के जाते हैं, हमारे भी सूखते हैं, हम भी फेल्योर होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आगे कर रहा है तो वो सक्सेसफुल ही है पूरा, उसका 100% सक्सेसफुल होता है सारी चीज़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ को समझो कि जो भी पिनहेड सूख रहे हैं वो क्यों सूख रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं। समझो आपके पास में शेड है, आपके पास में शेड है, वहाँ पर अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है, आपने गनी बैग्स लगाए हैं ऊपर से भी, राइट, ऊपर से भी गनी बैग्स लगाए, बाजू से भी लगाए हैं, और आप जो है वहाँ पर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। सामने भी एक दरवाज़ा है, पीछे की साइड में एक विंडो है, वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन है, बाहर फेंक रहे हम एग्जॉस्ट फैन से, इलेक्ट्रिसिटी रहे तो नेचुरल हवा आने दीजिए शेड में, ठीक है, नेचुरली जितना हो सकता है उतनी करने की कोशिश करिए, ठीक है। बाद में जो है जब इतना सारा हो रहा है तो इसमें क्या है कि जब टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मैनेज करोगे ऑटोमेटिकली, तो इसमें जो है ना और एक चीज़ है कि समझो नीचे फ्लोरिंग है, तो फ्लोरिंग है तो यहाँ पर पानी भर के रखो, स्पेशली गर्मी के दिनों में, तो वहाँ पर जो है इवेपोरेशन होगा, मॉइस्चर क्रिएट होगा, और मॉइस्चर क्रिएट होगा तो उससे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी 80-90% तक, और इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी 100 भी गई तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब 80-90% तक जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो आपका काम तो हो जाएगा 100%। सो बी पॉजिटिव कि आपके पास में जो है वो काफ़ी अच्छा है, आप भगवान का शुक्रगुजार रहो कि नहीं हमें ये मिली है ये सारी चीज़ें, और इसमें हम और कुछ आगे कर सकते हैं, सीखना है, पढ़ना है, क्या नहीं है यूट्यूब पे, हमारे जैसे और यूट्यूब चैनल है जहाँ पर अच्छे से लोग सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, सीखिए अच्छे से। अगर और कुछ चीज़ें अगर डायरेक्टली या फिर फटाफट सीखना चाहते हो, आपके पास में इन्वेस्टमेंट है तो 100% इन्वेस्ट करिए, ट्रेनिंग सेशंस लीजिए, या फिर बिजनेस करना चाहते हो मशरूम के, इसमें ही तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हो, आप ड्राई मशरूम का ट्रेडिंग कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप इंपोर्ट करके भी सेल कर सकते हो, आप बाय प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो, आप सुपर स्टॉकिंग बन के भी बड़े पैमाने पर सेल कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, आप स्पॉन लैब खोल सकते हो, स्पॉनिंग भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बस आपका ब्रेन जो है, आपका दिमाग जो है 1300-1400 ग्राम का, वो रेडी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस तरीके के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, तो ये आपका वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।